पहुंचा दूंगा। रुकमणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता फिर मिट जाता। तो आज रुकमणी रोकर के उस पत्र में लिखती है कि हे कन्हैया, आपको पता है कि मैं आपकी बहुत बड़ी रत्नी हूँ, आप जैसे भी हो सके मुझे यहाँ से ले जाइए, पत्र पढ़ते ही पढ़ते आप चले आना। तो पत्र जब भैया पत्र लिखा, पत्र ब्राह्मण देवता को दे दिया। दो चार कदम ब्राह्मण देवता चले, चलो ना जाए रो बुढ़ापो है। तो आज भगवान को याद करके बोले हैं कि हे कन्हैया, आपके भक्त का पत्र है, आप यहाँ से उठवा लो। सभी लोग ताली बजा के दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे जो रुकमणी तक, रुकमणी की चिट्ठी भगवान तक पहुंच जाए। और हमारे परम शुद्धि भैया जी बलीपुर से आए हुए, अजय भैया माला कर रहे हैं, भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, उनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, ये विलासा और आकांक्षा है। महाराज चले हैं पंडित जी, आवाज लगा रहे, प्रेम से बोलेंगे बारोटी में ऐसे दोनों हाथ ऊपर ढके, तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, मुंह से सिर्फ गाना बोलना है, फालतू की आवाज नहीं। पीछे दोनों हाथ ऊपर ढके, तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है, तुम्हें भगवान की कसम है, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। सातवां दिन है यज्ञ पति जी महाराज परीक्षा, मोरी सम की लाड़ों ने भेजे, सुनो सावरिया, क्या आवाज है, चलत चलत मेरी मैया रानी, चलत चलत Oh,
महाराज ब्राह्मण देवता ने भगवान को आवाज लगाई तो प्रभु ने अपने पार्षदों के द्वारा पंडित जी को उठवा लिया। जब उठवाया है कितना बोलते होते 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 महाराज, जब पार्षदों के द्वारा उठवाया, सबसे पूछ बोल रहे हैं ब्राह्मण देवता जी कौन सा नगर है। बोले द्वारिका क्षेत्र, हमें एक भी जानो है जिसमें कृष्ण रहते हैं। जाओ जो सबसे ऊंचे महल बने वो एक कन्हैया के हैं। महाराज जैसी कृष्ण को ब्राह्मण देवता ने देखो तो खोपड़ी से हाथ लगाओ और जवाब दो मोड़ी ठगिए, जो इतना करिया उल्टो तो रखो है जाके ले मरी जाए रही। अरे हम सही कह देती तो हम ही लड़का ढूंढ देते, वहां से यहाँ तक हमें भेजा है। लेकिन जैसे ही भगवान ने पंडित जी को देख के मुस्कुराना शुरू किया पंडित जी पे, जो होश आओ तो मन में विचार करो है कि पूरे संसार की शोभा रुक्मणी ने एक कृष्ण में ढूंढ ली और कहीं इसे जाने की जरूरत नहीं है। अरे प्रियंका दीदी जी, अंजलि दीदी जी, मल्ल पक रही है, भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हों वो पूर्ण हो। भगवान भोले बाबा हमेशा धन के भंडार भरते रहे, विलासा और आकांक्षा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज ये आपका पत्र है, ये पत्र देख लो और साथ में ही चलो। भगवान बोले तुम साथ की बात कर रहे हो, दादा हमें दो ही कदम ना भेज सकते, एक काम हो सकते हो। बोले कहा दो चार कदम चलो और खांसन लगो, फिर दो चार कदम चलो फिर खांसन लगो, फिर उठो फिर बैठ जाओ फिर खांसन लगो। तो दादा सोचेंगे कि ब्राह्मण बूढ़े हैं, हम इतने से तुम्हें छोड़े आए, उतने से रुक्मणी को ले आ। ब्राह्मण उनसे हुआंगे रहे, दो चार कदम चले और खांसन लगे, फिर बैठ गए, फिर दो चार कदम चले फिर खांसन लगे, फिर बैठ गए। बलदाऊ बोले जाओ कन्हैया ब्राह्मण को छोड़ गया, और एक काम करना, कहीं रास्ते में कोई भी मिले, कोई भी लड़की, तो उससे एक सेकंड भी आप खड़े मत होना। भगवान बोले अरे दादा कैसी बातें कर रहे हो, हमारे तो बोलो तो दुनिया में कोई दूसरों पैदा ही ना हो, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, आप बस भेज दो। हाँ बलदाऊ बोले फिर जा। बलदाऊ ने जवाब दो कन्हैया अगर कोई लड़की उधर से पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ के आना, उसे साथ लेके मत आना। अरे भगवान बोले हमें बदनामी को बहुत डर है, हम बहुत डरते, मैं किसी को लेके नहीं आऊंगा। ये बात सत्य है, ये दुनिया है महाराज, लोगों ने भगवान पे उंगलियां उठाना जब बंद नहीं किया तो हम और आप क्या है। लोगों ने भगवान पे उंगलियां उठा ली क्योंकि एक कहावत है कि नखरे बच्चों के सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बच्चों के नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते, बाकी पूरी दुनिया उंगलियां उठाती है। आप कुछ अच्छा करोगे तो पहले तो ये करने नहीं देंगे, अगर कर लिया तो कहेंगे हमें तो पहले ही पता था कि करके ही दिखाओगे, अगर कहीं धोखे से नहीं हो पाया तो बोलेंगे मैंने तो पहले ही रोका था कि नहीं हो पाएगा। अच्छा ये ना सुख से जीने देते और दुखी हो तो और आग लगाते, ये दुनिया का स्वभाव है। आपने गांव में कभी हाथी आता हुआ देखा, हाथी गांव के लोग हाथी को गणेश ही समझते, तो जब हाथी आएगा ना तो उसके पीछे 10-20 कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी के, लेकिन ये हमारी
ये हमारी और आपकी गलत फहमी है क्या कि वो कुत्ते हाथी पे भौंकते, वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते हम जैसे आप जैसे लोग जो पूजन कर रहे हैं, हम जैसे आप जैसे लोग जो हाथी का पूजन कर रहे हैं, वो कुत्ते हम जैसे लोगों पे भौंकते, पता क्या कहते हैं कि ये एक दिन के लिए आया, इसकी बराबर पूजा हो रही, और हम 24 घंटे गांव में पैरा लगा रहे, रोज भौंकते, हमें एक रोटी डालने वाला कोई नहीं है। तो आदमी दूसरे के सुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। अगर कोई बुराई करे, जैसे गांव में 100 घर हैं, 100 और 100 घरों में लाइट न हो, और एक कोई मेहनत करके 100 ऊर्जा ले आए, एक बल्ब जला ले, तो महाराज वे जो 99 घर बचे वो ये नहीं सोचते कि हम भी मेहनत कर ले, लाइट हमारे भी घर में आ जाएगी, वो ये जरूर सोचेंगे कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन इसके घर की लाइट चली जाएगी। ये लोग जीने नहीं देते, ये दुनिया है। 100 मेंढक एक पहाड़ी पे चढ़े, 100 पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे, पहले एक गिरा, दो गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, 75 गिरे, 99 मेंढक नीचे आ गए, बचा कितना? एक बराबर चढ़ता जा रहा है, बराबर। लेकिन नीचे वाले चिल्ला रहे, भैया जब 99 नीचे गिर पड़े तो तू का चढ़ सकते, नीचे आ जा। लेकिन वो मेढक बराबर चढ़ता जा रहा है। जब 2-4 दिन बाद पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो उससे पूछा गया कि ये बताइए महाराज, वो पूरी पहाड़ी क्यों चढ़ गया जब 99 नीचे आए गए? इतना बलवान थोड़ी था जो पूरी पहाड़ी चढ़ गया। तो संत जवाब देते हैं कि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था, उस मेढक को सुनाई नहीं देता था, वो 99 नीचे से चिल्ला रहे कि भैया नीचे आ जा, जब 99 गिर गए तो तू का बच जाए। लेकिन वो सोच रहा है कि ये सारा दे रहे, चढ़ जा, चढ़ जाएगा। जब भी कोई बुराई करे या कोई आपको दिक्कत कर रहा है तो आप कानों पे हाथ रखिए और आगे बढ़ते जाइए, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। और बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है, बदनाम वो होता है जिसका नाम होता है, जिसका नाम ही नहीं है उसे चार लोग जानते हैं तो बदनाम क्या होगा। और जब भी कोई पीठ पीछे बुराई करे तो ये सोच के खुश रहा करो कि मैंने बिना पैसे के पीछे नौकर लगा रखे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, आज कहां ब्राह्मण देवता को मिठाइयों, चले हैं भगवान रथ को लेके। निकल गए तो जीवन परवे वाले नहीं, वहां